नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री आशा संघ की आशा बहुओं एवं संगनियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर करीब 5 घंटे तक धरना दिया। अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में जुटी आशा बहुओं ने डीएम एसपी शाही के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। आंदोलनरत आशा बहुओं व संगनियों ने बताया कि उन्हें मिलने वाली 750 रुपए की प्रतिपूर्ण राशि पिछले 19 माह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा समस्त सरकारी प्रसव व नसबंदी केंद्रों पर भी लाभार्थियों व आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मांग की है। कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। वार्ता के उपरांत डीएम ने सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल ने बात कर पिछले 19 माह से लंबित प्रतिपूर्ति राशि का तत्काल भुगतान करने के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गावती शर्मा आशा जी। आज आप जिला अधिकारी के सामने आप धरने पर बैठे हुए हैं, आप सभी लोग क्या समस्या को लेकर बैठी हुई है? पेमेंट नहीं हो रहा है जी। पेमेंट नहीं हो रहा है, कितने महीनों से पेमेंट नहीं हो रहा है? 19 महीने से हम लोग पेमेंट जी। क्या पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है या कुछ कुछ करके भी हो रहा है? इस प्रकार का पूरा पूरा हो रहा है जी। कितना पैसा महीने इस महीने हो? 700 रुपये जो हम लोग को बढ़ा हुआ है उसमें 1000 मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है? अक्टूबर से 10 महीने को बोले कि तुम लोग को 7,750 दिया जाएगा, तो 1000 पहले यहाँ दे दो। रेणु भारती मांगी है। रेणु भारती कौन है? ये रेणु भारती बीसीपीएन से नया आई है। अच्छा हाँ। तो 1000 रुपये क्यों मांग रही हैं? 1000 दो तब तुम लोग को 7,750 जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा, फिर 200 महीना पर हमको देते जाओ तो तुम लोग को पेमेंट करेंगे एचबीएनसी पर भी। तो हमने बोले कि और 300 रुपये मुझसे ले लीजिए, और हम कोई लिखित जनरेटिंग प्रमाण मर कटा के कुछ नहीं देंगे, हम कागज लिखित नहीं देंगे कि इतना मैं ड्यूटी किया हूँ, मोबाइल से मौखिक आपको बता देंगे। तो पर भी राजी नहीं हुई, कुछ नहीं बोली। अब बोली कि नहीं मुझे 200 चाहिए, तब तुम लोग को पेमेंट करेंगे। तो बताइए हम लोग 200 कहाँ से दें? कहाँ मांगा जा रहा है? दुबहन रेणु भारती मांग रही है सीएससी में दुबहन में। और टीकाकरण का तो हम लोग का अप्रैल में तो हुआ नहीं, बंद था काम कोरोना के चलते। मई से एक भी टीकाकरण का पैसा नहीं गया, किसी का नहीं गया। और सारा रिपोर्ट हम कर करके एक एक खोज के दे रहे हैं, तो पर भी नहीं गया है। अपने एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पूनम पांडे है, मैं जिला आशा संघ की अध्यक्ष हूँ जी। आज आप जिला अधिकारी कार्यालय पे हैं, क्या समस्या है जी? पहली समस्या तो ये है हमारी कि राज्य सरकार द्वारा 2019 में ही अप्रैल में हम लोगों का 750 हर मंथ बढ़ाया गया देने के लिए, लेकिन आज 19 महीना हो गया, हमें आज तक वो भुगतान किया नहीं गया। क्या जो आज तक भुगतान नहीं हुआ है, क्या इसके लिए आपने कभी पत्र नहीं दिया किसी आला अधिकारी जिला अधिकारी को? मैंने हमेशा सीएमओ साहब को दिया है पत्रक, और हमेशा बताते रहे हैं कि सर हमारा भुगतान कीजिए, हमारा भुगतान कीजिए। बट ये कहा गया हमसे कि अब होगा, कल होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, यही कहते कहते हमें इस 19 महीने तक गुमराह किया गया जी। इस 19 महीने के बाद भी आज आपको पैसा नहीं मिल पाया है इन तमाम आशा बहुओं को, और आज आप जिलाधिकारी धरने कार्यालय पे सामने धरने बैठे हुए हैं। और कौन सी मांगे हैं जिसके लिए आप इस धरने बैठे हैं? अभी तो हमारी यही मांगे हैं जो हमें 19 महीने से नहीं मिला है। बट हमने अभी 23 तारीख को सीएमओ साहब से जब कहा कि हमको देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अप्रैल 2020 से अब दिसंबर तक का केवल 6 महीने का ही भुगतान कर सकेंगे, क्योंकि पहले का जो पैसा है वो लैप्स हो चुका है, और हम उसके लिए शासन को डिमांड कर रहे हैं, जैसे वो आता है हम भुगतान कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग का कोविड 19 के लिए आशाओं को सरकार काम करा रही है, उसमें हर महीने शासन द्वारा 1000 रुपया दिया जाता था, वो भी जुलाई के बाद हम लोग को नहीं मिल रहा है, वो भी बंद कर दिया गया। दूसरी मांग में मेरी ये भी समाहित है। तीसरी मांग ये है कि आप लोग आए दिन हर संस्थागत प्रसव स्थलों पर जाइए और ये देखिए कि सरकार ने हमें हमारी आशाओं को हमको रखा तो जरूर है कि आप लोग मरीजों की सेवा करिए, लेकिन हमारे रहने की, हमें टॉयलेट बाथरूम करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब हम मरीज को लेके जाते हैं तो मरीज तो बेड पे एडमिट हो जाता है, उसके परिजन उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन आशाओं को बैठने के लिए एक टेबल तक उपस्थित नहीं रहता, उपलब्ध नहीं रहता कि हम वहाँ बैठें
और 24 घंटे वहाँ बैठकर उनका केयर कर सके। हमें टॉयलेट लगती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं कि हम रात में कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। बताइए आज हम कोविड-19 में कैसे इस समस्याओं को झेल पाएंगे और इन समस्याओं के साथ हम कैसे समाज हित में कार्य कर पाएंगे। जी, जिस प्रकार से देखा जाता है कि आशा बहुएँ अपने ग्राम समाज में एक अलग भूमिका निभाती हैं और जितनी भी प्रसव पीड़ा औरतें होती हैं उनको जिला अस्पताल तक पहुंचाती हैं। और इस चीज़ को देखते हुए आज आपको पैसे 19 महीने से नहीं मिला हुआ है, इसमें किसकी लापरवाही है? इसमें तो हमारे सीएमओ साहब की लापरवाही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको पैसा तो दे दिया था, अगर पैसा नहीं दिया होता तो लेप्स की बात नहीं आती। इसका मतलब शासन ने हमें पैसा तो दे दिया, लेकिन सीएमओ साहब के कारण हमारा पैसा हमारे खाते तक नहीं गया। यानी इनकी नज़र में काम करने के लिए तो आशा है, बट उनका पैसा भुगतान करने के लिए इनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि हम तो सबसे छोटी कड़ी है ना सर, हमारे लिए तो इनके पास समय ही नहीं है। और आज हम इतना मांग कर रहे हैं, इतना परेशान है, तो आज ये हमें मात्र 6 महीने का पैसा दे रहे हैं। अगर हमें 6 महीने का भुगतान कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें जुलाई से और 3 महीने जो अगस्त सितंबर अक्टूबर का कोविड-19 का पैसा अभी भी नहीं दे रहे हैं। केवल 6 महीने का आश्वासन दे करके और भुगतान करा करके आज भी हमें ये कह रहे हैं कि हम आपका पैसा दे रहे हैं। जी, आज आप इतनी भारी संख्या में आप धरने पर बैठी हुई हैं, और इसके बाद भी अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगी? हम अपनी आशाओं से अपील करेंगे कि इसके बाद अगर हमारे भुगतान नहीं हो रहा है जो कोविड-19 का पैसा है और जो हमारा 12 महीने का राज्य सरकार द्वारा पैसा है, तो हमारी आशाएं आशा के कार्य को बहिष्कार करेंगी, जन सेवा नहीं करेंगी। क्योंकि जब हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, जब हमारी सुरक्षा नहीं की जाएगी, तो जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम समाज को किस चीज़ की सुरक्षा की गारंटी देंगे? कितनी संख्या है आपके आशा बहुओं की? हम लोग 2900 आशाएं पूरे 17 PSC में हैं, 17 ब्लॉक में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मीना दुबे। जी, आज आप कहाँ बैठी हैं, किसके सामने बैठी हैं? हम एक DM कार्यालय पे बैठे हैं। जी, मैंने क्यों बैठे हैं आप? हम लोगों का पैसे भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए बैठे हैं। जी, आप आशा बहू हैं? हम आशा बहू हैं। जी, क्या समस्या, अभी कुछ बता रही थी आप, क्या समस्या? हमारी समस्या ये है कि हम लोग दिन रात मेहनत करके क्षेत्र में काम, जच्चा बच्चा या हर चीज़ में हम लोग स्वास्थ्य संबंधी सारे काम कर रहे हैं, और सारे काम करते हुए भी हम लोगों को कोई सुरक्षित नहीं समझ रहा है कि हम किस हालत में काम कर रहे हैं। काम करने के लिए हैं और पैसा लेने के लिए हम लोगों को कुछ वो है नहीं कि हम लोग कैसे हम लोग जिए, अपने परिवार को कैसे वो करें, चलाएं परिवार को। सबसे बड़ी बात है ये कि हम लोग काम करें, सबके लिए एक नियम लागू है कि आपको 2200 रुपया या 2250 रुपया जा रहा है, 2250 रुपया, उसमें हमारे यहाँ दोपहर हॉस्पिटल पे ये हो रहा है कि किसी को 1700 जा रहा है, किसी को 1500 जा रहा है, किसी को 2000 जा रहा है, कि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये जो पैसा ये मानदेय हम लोगों के एक मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, हर महीने 2200 रुपया जाता है, तो क्या इसके लिए आपने आला अधिकारी को कोई पत्र दिया किसी? हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं सर, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं बता रहे हैं, पैसा भी मांगा जाए और उस पर पैसे भुगतान करें तो आप लोगों को पैसा जाएगा। पैसा पहले दे दीजिए, उसके बाद पैसा जाएगा। कौन पैसा मांग रहा है? हम लोगों के यहाँ हम लोगों के BCPM शायद है, वो बोल रही है कि पैसा हमको चाहिए। और तब हम, क्या नाम है उनका? रेनू भारती। तो ये बात है सर कि BCPM शायद। अच्छा, दोबहन ब्लॉक में। और बोल रहे हैं कि जब पैसा आप लोगों को आप लोग देंगी तब हम आपको पैसा छोड़ेंगे। ये भी समस्या है हमारे यहाँ। किसी को सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।